दोस्तों भारत में 5G की होड़ लगी हुई जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL आने टाइम में दोस्तों आपको 5G और 6GB देना है। लेकिन फिलहाल अभी बात कर ली जाए तो दो ही बंदे हैं यहाँ पे लड़ाई में, एक तरफ जियो और एक तरफ एयरटेल है। दोनों ही दोस्तों भारत भर के अंदर अपनी 5G सर्विस लेके आ चुके हैं। यहाँ पे अभी इन्हें और भी स्पेक्ट्रम चाहिए और आने वाले टाइम में 5G, 5G Plus और 5G के बाद दोस्तों 5G Plus के बाद 6G आने वाला है। फिलहाल दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था जियो, एयरटेल, VI को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था COAI ने DOT को खत लिखकर कहा है कि हमें 6GHz स्पेक्ट्रम जो है दोस्तों वो खास करके हमें यहाँ पे चाहिए हमारे 5G और 6G की फ्यूचर में ग्रोथ के लिए। दोस्तों क्या है 6GHz स्पेक्ट्रम और इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में भारत के सारे बैंड्स क्यों आ जाते हैं और सारे के सारे फोन्स में ये ही सपोर्ट किया जाता है, इसको मिड बैंड बोला जाता है, क्या दोस्तों ये उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में जो 5G की शुरुआत है बहुत तगड़ी हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अनलिमिटेड 5G दे रहा है दोस्तों। यस, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो आपको अनलिमिटेड दे रहा है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G एक्सपेंशन भारत में हो रहा है जियो रिटेल की बदौलत। जियो ऑलमोस्ट 6,500 सिटीज में 5G लेके आ चुका है और इस साल के अंत तक दिसंबर तक भारत के चप्पे चप्पे तक 5G लेके आ जाएगा और उसके 3 महीने बाद यानी अप्रैल 2024 तक यहाँ पे दोस्तों एयरटेल भारत के चप्पे चप्पे तक 5G लेके जाएगा। लेकिन इन्हें अच्छा खासा स्पेक्ट्रम चाहिए। इन कंपनियों का जो फेवरेट स्पेक्ट्रम है दोस्तों वो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है दोस्तों। यस, जो सुपीरियर स्पीड आपको यहाँ पे देता है फिलहाल अप टू 2-2 GBPS तक की स्पीड आपको देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्मार्टफोन कंपनीज ओप्पो, वीवो, शाओमी, एप्पल, सैमसंग जितनी भी कंपनीज हैं इनके पास जो स्पेसिफिक बैंड्स है 5G के वो इसी पर्टिकुलर 6GHz स्पेक्ट्रम को दोस्तों सपोर्ट करते हैं, इस फ्रिक्वेंसी पर सपोर्ट करते हैं आने वाले बैंड्स। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या डिमांड यहाँ पे आ रही है, कौन कौन से बैंड्स इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में आते हैं, क्यों कंपनियाँ ये चीज़ें मांग रही हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर टेलकोस BAT for 6GHz स्पेक्ट्रम, BAT for 5G एंड 6G ग्रोथ। दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज दोस्तों खास करके जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये दोस्तों यहाँ पे दाव लगा रही है 6GHz के स्पेक्ट्रम पे। दोस्तों सरकार को बोला है कि हम 5G और हमारे आने वाले टाइम के अंदर 6G में भी इस पर्टिकुलर बैंड को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI दोस्तों ये संस्था जो है यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। उसने DOT को कहा है कि हमें 6GHz का स्पेक्ट्रम जो है हमारे लिए बेस्ट है 5G मोबाइल सर्विसेज भारत में देने के लिए। 6GHz की दोस्तों बात चली है और DOT को दोस्तों यहाँ पे कहा है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अपूर्व चंद्रा दोस्तों यहाँ पे उनको दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि COAI के दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो है मिस्टर SP कोचर दोस्तों, यस SP कोचर जो है पहले राजन मैथ्यूज हुआ करते थे, अब SP कोचर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एलोकेशन जो होगा 6GHz का स्पेक्ट्रम जो है खास करके 9,925 से लेके 7,125 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इसके बीच में फ्लक्चुएट करता है। मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ, हम लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे खास करके देख सकते हैं 600 से लेके लो बैंड जो आता है 600 मेगाहर्ट्ज से आता है, ऊपर देखेंगे दोस्तों 6GHz जो होता है ऑलमोस्ट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 3300 मेगाहर्ट्ज से लेके 4200 मेगाहर्ट्ज के बीच में दिखता है, मतलब N78, 77 ये सारे बैंड्स खास करके 200 बैंड देखेंगे N71, N21, N78, N5, N8, N3, N1, N40, N41, N78, 77 ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फोन 5G फोन फिलहाल भारत में बिक रहे ना ये इन्हीं बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों कंपनियां इसी में बेट लगाना चाहती है कि सारे के सारे जो हार्डवेयर अभी फिलहाल अवेलेबल है वो खास करके इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कंपनियां जो है 6GHz के स्पेक्ट्रम को यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहती, ज़्यादा से ज़्यादा इनको मांगना चाहती कि इसकी सफिशियंट हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री होनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे खरीद सके फ्यूचर में और इससे हम हमारे भारत भर के अंदर चप्पे चप्पे तक 5G लेके जा सके और आने वाले टाइम में 6G पे भी दोस्तों हमें ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों ये जो बैंड्स होते हैं ना ये आपको मैक्सिमम 2 GBPS तक की स्पीड देते हैं, इसको मिड बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। हाई बैंड जो होता है ना वो 26GHz वाला दोस्तों 3300 से ऊपर वो आपको देता है यहाँ पे 2 GBPS से लेकर 10 GBPS तक की स्पीड। लेकिन वो बैंड फिलहाल स्मार्टफोन्स में नहीं है और वो थोड़ा महंगा पड़ता है, रेंज भी कम होती है। लेकिन ये मिड बैंड जो होता है इसकी रेंज भी अच्छी खासी होती है, सस्ते भी पड़ते हैं, प्लस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा जो स्मार्टफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सारी कंपनीज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इन बैंड्स को आराम से दोस्तों करते हैं। जितने भी बैंड्स आते हैं ना 5G के वो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को दोस्तों यहाँ पे आराम से दोस्तों कैटर करते हैं। तो आपको जो स्पीड मिलती है ना 1-1 GBPS की, 1.5 GBPS की, 2 GBPS की मैक्सिमम वो इसी 6GHz पे दोस्तों देखने को मिलती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे COAI जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को रिप्रेजेंट करती है तो कंपनियां चाहती है DOT को कह दिया है कि हमारे लिए सफिशियंट स्पेक्ट्रम आप रखिए कि हमें 5G के अंदर भारत में चप्पे चप्पे तक 5G पहुंचाने के लिए और आने वाले टाइम में 6G के लिए 6GHz का स्पेक्ट्रम यहाँ पे चाहिए। इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसीज आती है इसको सफिशियंट वे में
हमें दीजिए, जिससे हम भारत भर में 5G और 6G की 200 यहाँ पे लाइन लगा देंगे। तो मुझे बताइए दोस्तों आपकी न्यूज़ कैसे लगी, वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुँच रहे हैं, तो दबा दीजिए। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको वीडियो को दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज़ उस घंटी के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। अब वॉच, केयर ऑलवेज, कीप स्माइलिंग।